हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बेसिस यूनिट जो नया वाला चैनल है यहां पर मैं शॉर्ट ट्रिक्स अपलोड कर रहा हूं और ये शॉर्ट ट्रिक्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और स्टूडेंट से पहले मैंने काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स अपलोड करी है तो वो आईटी पे आप जाके देख सकते हैं। और आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ डिफरेंशियबिलिटी में बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक कि अगर कोई भी कर्व है उस कर्व का जो शार्प एज होता है वहां पे फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होता है, राइट। तो ये एक ट्रिक है। तो आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो आपको यहां पे उसका क्या करना है, ग्राफ खींचना है। एंड ग्राफ खींचने के बाद जहां पर शार्प एज है वहां पे हम पता करेंगे तो वहां पे हमारे जो लाइक फंक्शन होगा वो डिफरेंशियबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन हैज शार्प एज एट द पॉइंट एक्स जीरो देन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स जीरो, है ना। तो फंक्शन यहां पर एक्स जीरो पर डिफरेंशियबल नहीं होगा। फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे हमारे पास देखा कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन, मतलब जब एक और एक से छोटा है तब इसकी वैल्यू वन है, एक्स जब माइनस वन से वन के बीच में तब इसकी वैल्यू एक्स है, मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स टाइप का ग्राफ आएगा। और जब एक्स इज इक्वल टू माइनस वन है, लेस देन माइनस वन है, सॉरी ग्रेटर देन वन पे ये आ रहा है एंड माइनस वन पे ये आ रहा है, माइनस वन आ रहा, राइट। ये हमारे पास ग्राफ है। तो इसलिए यहाँ पे जो शार्प एज है वो इन दो पॉइंट पे शार्प एज आ रही है, एक तो इस पॉइंट पे शार्प एज आ रही है ना, इसलिए यहाँ पे एक तो इस जगह शार्प एज आ रही है, इन दो पॉइंट पे एक तो यहाँ पे आ रही है और यहाँ पर आ रही है। तो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, राइट। तो इस पॉइंट पर यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियबल नहीं होगा, क्लियर है। और अल्टीमेटली यहाँ पे टेंजेंट का कंसेप्ट होता है कि उस पॉइंट पे जहां पर भी शार्प एज होता है वहां पे आप टेंजेंट नहीं खींच सकते। तो उस वाले अल्टीमेटली होता क्या, डीवाई बाई डी एक्स होता क्या, स्लोप होता है ना। तो जो भी कर्व पे हम लोग स्लोप लाइक टेंजेंट खींचते हैं तो उसका जो स्लोप होता है वो यहां पे क्या डिनोट करता है, हमारा डिफरेंशियबल डेरिवेटिव डिनोट करता है ना। और डेरिवेटिव अगर वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा तो वो डिफरेंशियबल होता है, क्लियर है। तो जहाँ पे शार्प एज होता है वहाँ पे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होता है ना। इसी टाइप से जैसे मॉड एक्स वाला फंक्शन की बात करें हम आपके सामने, जैसे मॉड एक्स है, राइट। तो ये मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है ये इस टाइप का होता है, राइट। ये हमारे पास मॉड एक्स होता है तो इस पॉइंट पर ये फंक्शन जो होगा ये डिफरेंशियबल नहीं होता है ना। बाकी सभी पॉइंट पर फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशियबल होता है, क्लियर है। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, उसका ग्राफ ट्रेस करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखा है tan इनवर्स मॉड एक्स, तो सुन हमारे पास सबसे पहले tan इनवर्स एक्स का तो ग्राफ हमें पता है, राइट। tan इनवर्स मॉड एक्स का ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, सुन इसका ग्राफ ऐसा होता है और ये ऐसे जाता है, राइट, ये ऐसे जाता है ना। पर सुन जब मॉड एक्स की बात करेंगे तो ये ग्राफ इसका ऐसा हो जाता है ना, और ये हमारे पास यहाँ पे पाई बाई टू वाली लाइन आती है, क्लियर है ना। और ये नीचे तो होता ही है, तो ये जो पॉइंट होता है ये हमारे पास क्या होता है, शार्प एज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये जो फंक्शन होगा ये डिफरेंशियबल नहीं होता, राइट। सो एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट फॉर ऑल पॉइंट एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन होंगे वो रॉन्ग होंगे। तो जब भी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है तो हम कर्व का शार्पेज देखेंगे, जहाँ पे शार्पेज होगा वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होता, बाकी सभी पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशियबल होता है। इसी टाइप से हम इसकी बात करें, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, तो ये दे रखा है आपके पास वन अपॉन एक्स, जब जीरो से वन है तब इसकी जो वैल्यू है वो वन अपॉन एक्स टाइप का आ रहा है यहाँ पे, है ना। और देन उसके बाद रूट एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो कहाँ जा रही है, वन टू इन्फिनिटी जा रही है, राइट। तो सुन इसका जो ग्राफ आएगा हमारे पास वन अपॉन एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप से होता है ना, ये ऐसा आएगा हमारे पास। और सुन यहाँ पे जो वन पॉइंट है इस टाइप इस पे ग्राफ ऐसा हो जाएगा, एक्चुअली ये पैराबोला टाइप का होता है ना, पर यहाँ पे वन से जीरो आ रहा है तो ये वाला पॉइंट है हमारे पास वन, है ना। इसमें ये वन आएगा और वन पे इसका ग्राफ ऐसा होगा, देन ये इस तरह से चला जाएगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये इसका क्या हो जाएगा, शार्प एज हो जाएगा, मतलब एक्स इज इक्वल टू वन पे ये जो फंक्शन होगा ये डिफरेंशियबल नहीं होगा, है ना। मीन्स एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट जीरो टू इन्फिनिटी, दिस इज नॉट करेक्ट। एफ एक्स इज डिफरेंशियबल ऑन जीरो टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू वन, यस दिस इज राइट, है ना, क्योंकि इस पॉइंट पर यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, शार्प एज हो जाएगा, है ना। तो ये फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा। इसी टाइप से जब हम बात करें कॉस मॉड एक्स की बात करें तो सुन कॉस मॉड एक्स में यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है। वैसे भी हम जानते हैं कि जो कॉस एक्स होता है अल्टीमेटली क्या होता है कि जब एक्स इज लेस देन हम जीरो रखें तो वो नेगेटिव होता है और एक्स इज ग्रेटर देन जीरो पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, राइट। पर कोस एक्स जो होता है ये हमारे पास इवन फंक्शन होता है ना, इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो मॉड एक्स का कोई ज्यादा इंपैक्ट इस कोस एक्स के फंक्शन में नहीं हो रहा है, क्लियर है, क्योंकि मॉड एक्स का मतलब यहाँ पे होता क्या, मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, मॉड एक्स की डेफिनेशन यहाँ पे होती है कि जब एक्स की वैल्यू माइनस एक्स हो, जब एक्स इज लेस देन जीरो एंड एक्स की वैल्यू प्लस एक्स हो, जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो कोस मॉड एक्स को हम डिफाइन करें तो लेस देन और ग्रेटर देन पे इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। तो इसका जो ग्राफ होगा वो का वही आता है, यहाँ पे कोई शार्पेज नहीं मिलेगा आपको, राइट। इसका जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल ऐसा कैसा ही आता है यहाँ पे। तो ये जो कॉस एक्स कॉस मॉड एक्स होता है ये क्या होता है हमारे पास, हमेशा डिफरेंशियबल होता है, राइट। तो यहाँ पे जो क्या होगा, सो एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एवरीवेयर, सो दिस ऑप्शन इज नॉट राइट, एक्जैक्टली दिस ऑप्शन इज राइट एंड रिमेनिंग ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, रॉन्ग होगा, मतलब यहाँ पे कोई शार्पेज नहीं मिलेगा और हर फंक्शन पे क्या होगा, हर वैल्यू पे ये फंक्शन जो होगा ये क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा, राइट। तो कुल मिला के मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो यही कंसेप्ट है कि जब भी हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है और उस फंक्शन का हम शार्पेज खींचे, मतलब उस फंक्शन का हम ग्राफ खींचे, तो जो उसकी
शार्पेज पॉइंट्स आते हैं वहां पे फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होता क्योंकि वहां पे उसका डेरिवेटिव मतलब स्लोप एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इसमें लास्ट में मेरे जो वीडियोस है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने शॉर्ट ट्रिक की बहुत सारी प्लेलिस्ट मतलब वीडियो की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें ये मेरे यहाँ पे रिलांसिस की जो प्लेलिस्ट है जहाँ पर मैं काफी सारे रिलांसिस की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ वो आप देख सकते हैं। ये दोनों मेरे चैनल है। इसमें ये मेरा नया चैनल जिस पर मैं काम कर रहा हूँ और ये मेरा पुराना चैनल जहाँ पर आप हायर मैथ्स की वीडियोस देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके जरूर बताते रहिए कि कैसे आपको ये वीडियोज हेल्प कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आगे इस टाइप के और कंटेंट को मैं कंटिन्यू करूंगा। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।